हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं हीरो की ग्लैमर एक्सटेक और होंडा की SP125 और TVS की रेडर के बीच में, क्योंकि गाइस ये तीनों ही बाइक्स अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और तीनों ही बाइक्स के प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हो कि आपको इनमें से कौन सी बाइक को परचेस करना चाहिए तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों ही बाइक्स के प्राइस के बारे में। तो ग्लैमर एक्सटेक का एक्सशोरूम प्राइस है 90,000 से लेकर 92,000 तक, एंड होंडा SP125 का एक्सशोरूम प्राइस 85,000 से लेकर 89,000 तक है, और TVS के रेडर का एक्सशोरूम प्राइस 86,000 से लेकर 1,08,000 रुपीज तक है। बट गाइज, अगर तीनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिजाइंस के बारे में बात करें तो तीनों ही बाइक्स में आपको डिफरेंट टाइप के लुक्स एंड डिजाइंस देखने को मिल जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को होंडा SP के लुक्स पसंद आएंगे, तो कुछ लोगों को ग्लैमर एक्सटेक की, तो कुछ लोगों को TVS के रेडर के लुक्स ज्यादा पसंद आएंगे। तो गाइज, ये तो बात हो गई इन तीनों ही बाइक्स के लुक्स एंड प्राइस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं तीनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में। तो हीरो की ग्लैमर एक्सटेक में आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 10.8 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 Nm, और इस बाइक में आपको 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। और होंडा की SP125 में 123.9cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 10.8 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 Nm, और इस बाइक में भी आपको 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। एंड TVS की रेडर में आपको 124.8cc का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 11.38 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 Nm, और बाकी दोनों बाइक्स के जैसा ही इस बाइक में भी आपको 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। तो गाइज, वैसे तो तीनों ही बाइक्स में आपको 125cc का इंजन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर एंड टॉर्क आउटपुट आपको TVS की रेडर में मिल जाता है, और रेडर में आपको एयर प्लस ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलता है, जबकि बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको सिर्फ एयर कूल्ड इंजन ही मिलता है। तो गाइज, परफॉर्मेंस के मामले में TVS की रेडर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। एंड अब अगर बात करें इन सभी बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, तो गाइज, इन सभी बाइक्स में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलता है, जिसके साथ इंडिकेटर्स बल्ब में दिए गए हैं। और TVS की रेडर और हीरो की ग्लैमर एक्सटेक में आपको LED हेडलाइट के साथ LED DRLs भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि बाइक के फ्रंट लुक्स और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इन सभी बाइक्स में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें सारे फीचर्स डिजिटल हैं, लेकिन TVS रेडर और ग्लैमर एक्सटेक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, और इन तीनों ही बाइक्स की टेल लाइट आपको LED में देखने को मिलती है। एंड अब अगर बात करें इन सभी बाइक्स के सस्पेंशन सेटअप के बारे में, तो गाइज, होंडा की SP125 और हीरो ग्लैमर एक्सटेक में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं, जिसके साथ रियर में ट्विन शॉक अब्जॉर्वर टाइप का सस्पेंशन दिया गया है, जबकि TVS की रेडर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स के साथ रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो गाइज, सस्पेंशन के मामले में TVS की रेडर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एंड अब अगर बात करें इन सभी बाइक्स के टायर्स के बारे में, तो होंडा SP125 के फ्रंट और रियर में आपको 80/100 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं, जबकि हीरो ग्लैमर एक्सटेक और TVS की रेडर इन दोनों ही बाइक्स के फ्रंट में 80/100 सेक्शन और रियर में 100/90 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, हीरो की ग्लैमर और TVS रेडर में आपको 125cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे टायर्स देखने को मिलते हैं। एंड गाइज, होंडा SP125 में आपको 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और ग्लैमर एक्सटेक और TVS रेडर में आपको 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। इन सभी बाइक्स में आपको 55-60 km/h का माइलेज बड़े ही आराम से मिल जाएगा, और इन तीनों ही बाइक्स के ड्रम वेरिएंट में बाइक के फ्रंट एंड रियर में आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, और डिस्क ब्रेक वेरिएंट में तीनों ही बाइक्स के फ्रंट में 240 mm के डिस्क ब्रेक्स और रियर में 130 mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, जिसके साथ कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम भी इन बाइक्स में मिल जाता है। और अब अगर बात करें इन सभी बाइक्स के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो होंडा SP125 का ऑन रोड प्राइस 1 lakh rupees से लेकर 1 lakh 6,000 rupees तक है, और हीरो ग्लैमर एक्सटेक का ऑन रोड प्राइस 1 lakh rupees से लेकर 1 lakh 5,000 rupees तक है, और TVS रेडर का ऑन रोड प्राइस 1 lakh 10,000 से लेकर 1 lakh 24,000 rupees तक है। तो गाइज, ये थी इन तीनों ही बाइक्स के बारे में सभी डिटेल्स, और अब हम बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन सी बाइक को परचेस करनी चाहिए। तो देखो यार, तीनों ही बाइक्स अपनी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक्स हैं, बाइक्स में फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट अगर आपको एक सिंपल 125cc की बाइक परचेस करनी है जिसमें कि नॉर्मल सभी फीचर्स हो, तो आपको होंडा SP125 के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स वाली बाइक परचेस करनी है तो फिर आपको हीरो के ग्लैमर एक्सटेक के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको फीचर्स के साथ स्पोर्टी लुक्स एंड डिजाइंस वाली बाइक परचेस करनी है
तो फिर आपको TVS के रेडर के साथ जाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी। और इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड टेक केयर।